हाँ ये बताओ। अरे तुम यहाँ बैठ जाओ, मम्मा अभी आती है। अरे वो देखो तुम्हारी बच्ची को लेके चला गया। मेरी बच्ची, रोको गाड़ी को, रोको मेरी बच्ची, रोको गाड़ी को, कोई रोको, रोको गाड़ी को, रोको मेरी बच्ची, रोको 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 गाड़ी को, रोको गाड़ी को, मेरी बच्ची को रोको। दोस्तों इसलिए समझा रहा हूँ, हर चीज की एक हद होती है। ये सब करना जरूरी था क्या? अगर उस कार का ब्रेक फेल हो जाता तो क्या होता? तुझे कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमें बियर पीने के लिए पैसे कौन देता और हम पार्टी कहाँ मनाते? अरे ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ। ए चुप कर। अरे मुझे क्यों मारे, उसे मारो, उसे जितना समझाओगे सब वेस्ट है। सुख है या दुख है, उसे जो अच्छा लगता है वो वैसे ही करता है। हेलो, करते हो तो ठीक है, जिंदगी भर प्यार करते रहोगे तो कैसे चलेगा? इसके पापा जब भी दुबई से आते हैं इसकी शादी की बात करते हैं। ये छोटी है, इतनी जल्दी शादी क्यों कहकर उन्हें कोई बहाना बनाकर भिजवा देती हूँ। 5 साल से यही चल रहा है, अब मैं क्या करूँ? इसके पापा नेक्स्ट मंथ दुबई से आ रहे हैं, इस बीच राकेश को शादी के लिए मनाने कहो या तो इसके पापा ने पसंद किए हुए लड़की से शादी करने को कहो। इस बार वो आएंगे तो शादी करके ही जाएंगे। बचपन से तुम दोनों फ्रेंड्स हो ना, तेरी बात मानेगी, समझाओ। हाँ बोल, क्या प्रॉब्लम है? फैमिली प्रॉब्लम यार, बचपन से ही अपनी फूफी की लड़की से शादी करना चाहता था और अपने पिताजी और दादाजी को वादा भी किया था, पर दादाजी के मरने के बाद फूफी और पिताजी के बीच कुछ झगड़ा हो गया और 10 साल से दोनों परिवारों में बातचीत बंद है, शादी की बात तो दूर। दोबारा तूने लड़कियों की फोटोज उनके रिश्तों के बारे में बात किया तो जान से मार डालूंगा। अपनी दीदी से कहकर उसकी बेटी के साथ इसकी शादी करवाऊंगा, मैंने पिताजी से वादा किया था। मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? तो ठीक है, आप ही उनसे रिश्ते की बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं? लड़की वालों को इतना घमंड है तो मुझे कितना होना चाहिए। आएंगे वो खुद आएंगे। ऐसे माहौल में अगर सब बताऊंगा तो वादे के मुताबिक वो लोग जो कुछ हुआ उसे भुलाकर फूफी के पास जाकर रिश्ता तय कर देंगे। इसीलिए उस लड़की की शादी होने तक मेरे प्यार के बारे में बताना मुनासिब नहीं है यार। मिस्टर राकेश, कहीं वो लड़की किसी से प्यार करके वेट कर रही होगी तो? अगर ऐसा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही रीजन बताकर पिताजी को तैयार कर लूंगा। सो वो लड़की अगर किसी और से प्यार करेगी तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हाँ ओके, उस लड़की से मैं प्यार करूंगा। पागलों की तरह बातें मत करो, लड़की को बिना देखे कैसे प्यार करोगे तुम? सच में प्यार नहीं करूंगा, प्यार का नाटक करूंगा। नाटक करोगे? या
उससे झूठा प्यार करके उसे प्यार की पटरी पर लाऊंगा। तू अपने पापा को फोन करना, उनको दिखाना कि हम दोनों के बीच में प्यार है, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाद में उसे सॉरी कह दूंगा, मैटर फिनिश। मजाक मत करो यार। ए, वैसे तुम हमारे प्यार के बारे में कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसे ये हेल्प तो कर दो। हेल्प छोड़ो, एड्रेस बताओ। क्या एक्सप्रेस टावर? उसके बदले दूसरी जगह चाहिए तो दिला दूंगा। क्या प्रॉब्लम क्या? वो फ्लैट का मालिक खुद फ्लैट खाली करके चला जाना चाहता है। किस लिए? ए, क्यों गाड़ी को खींचते हुए आ रहे हो? कार पे स्क्रैच आएगा तो? वहां बच्चे बहुत हैं सर, खाली मिलेगा पर जाना नहीं। क्यों? आपने हिटलर को देखा है क्या? बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम, अबू सलीम, फुलन देवी, आप उस फ्लैट में जाओगे तो 4 हिटलर, 5 बिन लादेन, 6 दाऊद, सबको देख सकते हैं। उनके अटैक भी बहुत वैरायटी के हैं सर। जब वो कुत्ता पीछे पड़ता है अपने आदमियों को नहीं काटता, ऐसा ट्रेनिंग दिया है 5 साल के बच्चे ने। अब मेरा प्लान वर्कआउट होगा क्या? ए, टेंशन मत ले यार, किसी भी तरह उस फ्लैट में जाऊंगा और उस लड़की को पटाऊंगा। लड़की की बात तो दूर है, पहले बच्चों से बचना। ए, जल्दी से घूम जा, ब्लू कलर की चूड़ीदार में आ रही ना, वही फूफी की लड़की है। अरे बाय, अबे मेरे चेहरा तक नहीं देखा यार। कौन चाहिए सर? अभी कोई ब्लू चूड़ीदार वाली गई ना। नाम क्या है सर? लड़की का नाम ब्लू चूड़ीदार है। जाइए सर। अरे यार सच में यार ब्लू चूड़ीदार है यार। जाइए ना सर। लास्ट टाइम साइकिल की चोरी तुमने की थी ना? 502 में जेवर चुराने वाले तुम ही हो ना? ये लोग मुझे शायद चोर समझ रहे हैं। ए, सच बोल, तू सुपरमैन है ना? कैसे पता चला? मुझे पता है। सुपरमैन? ए, तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, सुपरमैन बिल्डिंग चढ़ के आता है, ऐसे कॉमिक्स में लिखा है। अरे
अरे कुछ ना कुछ तो फैसला करो यार। भरोसा कैसे करे? वो हवा में लटक रहा है, पता नहीं चल रहा है। ठीक है चलो यार देखते। इसने तो ड्रेस नहीं पहना है। ए, हमेशा वही ड्रेस में नहीं होता। अरे जब भी हम टेरेस पे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल नीचे चला जाता है और बॉल को नीचे से लाना मुश्किल होता है, इसीलिए सुपरमैन को हमारे टीम में रख लेते हैं। हाँ, अपने टीम में अच्छे फील्डर्स भी नहीं है, इसे रख लेते हैं। ठीक है तो डील ओके। तुम्हें हमारे साथ क्रिकेट खेलना होगा। ओके। ओके, लेट्स गो। Come on, let's go. बैटिंग टीम वाले बैठ जाओ। चेतन तुम वहां जाओ। मी? चल बैक। नीचे गिर गया यार। क्या सुपरमैन बिना बॉल पकड़े ऐसे ही खड़े हो गए? नीचे गिर गई। कहाँ जा रहे हो? लिफ्ट से जा रहा हूँ। अरे क्या, लिफ्ट से तो हम भी ला सकते हैं। तुम तो सुपरमैन हो, ऐसे जाओ और वैसे आओ। क्या वैसे जाकर ऐसे ले कर आऊँ? हाँ जाओ सुपरमैन, तुम सुपरमैन हो ना। लगता है बच्चे लाइन पर आ गए। सुपरमैन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, यही रह जाओ ना। ओके बट वन कंडीशन, मैं सुपरमैन हूँ ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। क्यों? वही है सुपरमैन का फॉर्मूला। यहाँ पर कोई फ्लैट खाली है क्या? तुम्हें कौन सा फ्लैट चाहिए? 801। ओ 802 क्या? सर कुरियर। ओ साइन सर। श्योर। कांति रामा कृष्णा, पर मेरा नाम तो वसंत है सर। 802 एक्सप्रेस टावर लिंक रोड। नहीं जो तू बोल रहा है वो करेक्ट है, लेकिन मैं रामा कृष्णा नहीं, मेरा नाम बसंत है। चलो डार्लिंग ये लो। ए, तुम पे मरता हूँ। चुम्मा 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 दे दे चुम्मा चुम्मा। क्या है सर? रजिस्टर पोस्ट है। किसके नाम का? बीरबल। अरे मेरा नाम बसंत है सर, एक्सप्रेस टावर में लिंक रोड। आपका एड्रेस बिल्कुल सही है, लेकिन मैं बीरबल नहीं हूँ सर। दे दे चुम्मा चुम्मा। दूसरे का बेल बज रहा था। दे दे ना। अरे फिर बेल बज गया। सर पिज्जा सर। अरे पिज्जा दे रही ना सर। बिरयानी सर।
सर सामान लीजिए। अरे मेरे पास है नीचे 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 नीचे। डालिंग 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 इसमें मेरी गलती नहीं है, सुनो तो मेरी डालिंग, सुनो तो ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। अरे ये फ्लाइट ही खाली कर देता हूँ। आप कौन है? सर हैप्पी बर्थडे सर। बर्थडे यार, फर्स्ट नाइट हुआ नहीं, तू बर्थडे 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 कर रहा है। नए से आए हो? इस फ्लैट में नया आया हूँ यार। कोई नया आया है, इसको उठा लो। Beautiful, isn't it? क्या देख रहे हैं मामा जी? मेरी एक छोटी सी हेल्प करोगे? क्या? लगता है पूरे प्रिपेयर होकर आए हो। बोलो। मैं दिव्या से प्यार करता हूँ, ये उसे जाकर बता दो। ओके। दिव्या, क्या है? एक सीक्रेट बात है। सीक्रेट कुछ नहीं है, सबके सामने कहो। कुमार मामा तुमसे प्यार करते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कुमार, तुम अपनी से मिलने आते हो, मिलकर चले जाओ। दिव्या की शादी अपने भाई के बेटे से करूंगी, पिताजी से वादा किया है। हाँ तो फिर दिव्या की शादी के बारे में अपने भाई से बात करो ना। मैं क्यों बात करने जाऊँ? मैंने उसे पाला पोसा है, फिर भी उसे इतना घमंड है, तो मुझे कितना होना चाहिए? वो नहीं आएंगे और आप नहीं जाएंगे, तेरी शादी नहीं होगी। तू बीच में मत बोल, इसकी शादी राकेश से ही होगी। चिल्ड्रन नॉट आउट, गो टू योर पोजीशन, गो गो। कौन है वो? चुड़ैल है, दिव्या नाम है, हमें ट्यूशन देती है। हाँ, छोटी गलती को बड़ी पनिशमेंट देती है। दिव्या लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से जाती है, पूछने पर कहते हैं कि एक्सरसाइज होती है, वो ठीक है लेकिन हमें भी सीढ़ियों से जाने के लिए टॉर्चर करती है। बड़ी बास्केटबॉल चैंपियन की तरह पोज मारती है, अभी तक जीतने का कोई न्यूज नहीं है। सबको मदर टंग जानना है, इसलिए हमेशा हिंदी क्लास लेकर हमारी जान ले लेती है। उसके पीछे जो बैठी थी ना, उसका नाम वासवी है, दिव्या की जेरॉक्स। उसी की तरह हंसती है, चलती है, बातें करती है, एकदम पागल। ट्यूशन में सबको पौधा दिया, जाते ही कुंडी में पानी डालने बोलती है, पौधा सूख गया तो पनिशमेंट देती है, कुछ बोलेंगे तो डांटती है। कल सुपरमैन के साथ क्रिकेट खेल रहा था तो ट्यूशन नहीं जा सका, अब दिव्या मारेगी इसलिए डर लग रहा है। अरे कोई आइडिया हो तो बताना यार, तुम तो हमेशा झूठ कहते रहते हो। ए साइलेंस साइलेंस, दिव्या आ रही है। कल ट्यूशन में क्यों नहीं आए? मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ। लास्ट बॉय, ए उठो, तुम्हें बुला रही है। मैं नहीं उठूंगा, जाओ। साई, मुझे लूज मोशन है मिस। मुझे टाइफाइड है मिस। मुझे चिकन फॉक्स मिस। मुझे हार्ट अटैक मिस। मुझे डेंगू फीवर मिस। मुझे मलेरिया मिस। मुझे एचआईवी है मिस। ए तू एचआईवी मत बोल, दूसरा कुछ बोल। एचआईवी मेरा है मिस, ये झूठ बोल रहा है मिस। किसने दिया ये सारा आइडिया? नहीं बताओगे तो सबको मार पड़ेगी। अरे अब मार पड़ेगी मुझे। ओ ऋतिक, एवरीबॉडी सिट। ऋतिक हाथ आगे करो, आगे। ये हाथ आगे करो, ये वाला हाथ आगे करो। ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो डाउट है कि ये सुपरमैन नहीं, कोई टपोरी लड़का है। साइलेंस, ऋतिक सिट डाउन। Thank you.
कल तक फिनिश करना है, नहीं तो पनिशमेंट। वासवी कम ऑन। कल कोई भी होमवर्क करके नहीं आएगा ना तो मेरे भी हाथों से मार खाएगा। चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो 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 रे, जिएंगे मन से, खेलेंगे मन से, डरे किसी से न रे। पढ़ाई को छोड़ो, लाइफ को पढ़ो, किताबें फेंको रे, लाइफ से सीखो, बुक में लिखो, हो जाओगे सक्सेस। मन नहीं है सस्ती कोई चीज, लाइफ में भर लो मिलकर मस्ती, डरना नहीं हमको है किसी से, जिएंगे हम अपनी खुशी से। चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो 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 रे, यहाँ ना खेलो, यहाँ ना अच्छा, क्लास में खेलेंगे।
सुनिए जी, बारिश अभी रुकी है, हम आ रहे हैं। ठीक है, ओके, आराम से आओ। ए, ऐसे क्या देख रहा है? कौन है आप लोग? बुलाया? अरे चल, चल क्या कर रहे हैं आप? अरे सुनिए, बात सुनिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? चलना चुपचाप। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? नाटक करता है, चल। बात तो सुनिए आप। ये बच्चे इतने सीरियस क्यों हो गए यार? इमोशनल होकर मैंने कमिटमेंट तो कर लिया है, लगता है अब मार खाऊंगा। जाओ सुपरमैन, वो लोग जा रहे। क्या हुआ सुपरमैन? तुमसे किसी ने झूठ कहा है, इसलिए पावर चला गया। झूठ बोलने से पावर कम होती है सुपरमैन। अरे वो कैसे चले जाएगी? ए सुपरमैन फॉर्मूला यही है, तुम आओ सुपरमैन। इसके दिमाग में सुपरमैन का फॉर्मूला जिसने भी डाला है उसे मैं सलाम करता हूँ। कौन है रही है? भाई अपन से 15 लाख कर्जा लेला है, अभी तक दिया कुछ नहीं। ओह, जब कर्ज मांगने आया था खूसट की तरह दिखता था, है ना? हाँ भाई। हे, पालटाई क्या? किया भाई, खुद को अच्छी तरह मेंटेन कियो। नई गाड़ी, क्या नाम है? होंडा। गोंडा? होंडा एकर्ड। ओ, कितने का है? 20 लाख की है। 20 लाख? अरे तेरी जात का पैदा मारू, कर्ज देने वाला मैं सेकंड हैंड एम्बेसडर गाड़ी में घूम रहा हूँ और कर्ज लेने वाले के पास इतना बड़ा होंडा। ए, इस कार को 5 लाख के हिसाब में जमा करके बाकी का कर्ज के लिए फिर से साइन करा लो। मैं पुरानी गाड़ी भंगार के भाव में खरीदता हूँ। भाई नई गाड़ी है भाई, खरीद के 1 हफ्ता हुआ है। एक काम कर, तेरी बेटी को यहाँ छोड़कर कल ले जाना। भाई भाई, मेरी बेटी है भाई। क्या रे, खरीद कर 1 हफ्ता हो गया फिर भी तेरी कार नई है? एक दिन तू बेटी को छोड़कर चला जाएगा तो पुरानी हो जाएगी क्या? हे शिवा, इसका काम करो। अब जहाँ कहेंगे वहाँ साइन करेंगे, हमें छोड़ दीजिए भाई, हमें जाने दीजिए। अच्छी माँ है। ए, इसे साइन करवा लो। सर, मेरा फ्रेंड भाग गया है सर। ए, क्या रे, तेरा दोस्त भाग गया कितनी आसानी से कह रहा है? 15 लाख रुपए कर दिया है मैंने, गारंटी पेपर पर तेरा ही साइन है ना? सर, 1 हफ्ते का टाइम दो, किसी भी तरह लेके आऊंगा। 1 हफ्ता क्यों? 2 हफ्ता ले लो, लेकिन तू उसे लेकर आ और साथ में पैसा भी ला। सर, क्या क्या है? साइन क्या क्या उसने? कार्ड डाल। सर नहीं, अंगूठा अंगूठा, दाहिना हाथ का अंगूठा। भाई, ये तो अपन का रोज का धंधा है, उसके साथ जो हुआ वो तेरे साथ भी हो सकता है। अब तू जा और पैसे लेके आ। एक हफ्ते
हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ, अब जाकर मिली है। गणेश यही करेक्ट टाइम है, शुरू हो जा, शुरू हो जा। हाय। कल से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? कुछ नहीं, मैं तो आपका 2 साल से पीछा कर रहा हूँ। Two years? I love you. मुझे क्यों पसंद करते हो? तुम्हारी चाल मुझे पसंद आई, तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारी हर अदा मुझे पसंद है। ओह थैंक्स, मेरी हर अदा तुम्हें पसंद है। मुझे तुम्हें भी तो कुछ पसंद आना चाहिए। हाँ ठीक है, तुम चलकर दिखाओ। मेरी चाल देखनी है? अभी चल के दिखाता हूँ। कैसी लगी चाल? ठीक से चलना तक नहीं आता तुम्हें, और मुझसे प्यार करना चाहते हो। क्या नाम है? बबलू रावत। देखो बबलू, प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए, प्यार में सच्चाई चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा नाम तो अच्छा होना चाहिए। समझ गए? अब तुम जाओ। थैंक्स दिव्या, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रोज लीजिए, ये आपके लिए। अगर दोबारा मेरा पीछा किया तो जान से मार डालूंगी। जाओ। तेरा बैड लक। दो साल से फॉलो करने वाले से अब बात कर रही है, मतलब मुझसे कब बात करेगी, कब लव करेगी, अर्चना की शादी कब होगी? ऐसे लड़की को पटाना मुश्किल है यार। अरे राकेश, इसे कन्विंस करने से अच्छा है तुझे कन्विंस कर लूं। अभी आ रहा हूं। 3 पीस ऑफ ब्लैकर्स। क्या है? तूने कैसे आदमी से प्यार किया, बिल्कुल पागल लगता है। उसकी आंख, नाक, हाथ पैर स्पेयर पार्ट्स लाकर असेंबल किया ऐसा लगता है। अर्चना देखो मेरी बात सुनो, तेरे पापा ने जिसे पसंद किया उससे ही शादी कर लो, बेटर है। ओके, अब भड़कने वाली है। नहीं नहीं ठीक है। थैंक्स। हेलो। हाँ कहो, तुम रुको मैं आती हूँ। राकेश तेरा टेस्ट बहुत अजीब सा है यार। क्यों, केक अच्छा नहीं है क्या? इसके बारे में नहीं यार, उसके बारे में। जरा उसकी शक्ल तो देख, कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स है। हाँ ठीक है, लेकर आती हूँ। वही तेरी फूफी की लड़की दिव्या, सुपर है, इसलिए कह रहा हूँ इससे शादी मत कर ले, उससे कर ले। क्यों गणेश, तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ क्या? छछे, अपना काम जरूर होगा। नो वे, ऐसे तुम्हारा पैर कितना मजबूत है कि आजमा रहा था। गुड गुड, तुम दोनों पास। मैं फेल हो गया। गणेश अभी भी थोड़ा वक्त है, थोड़ी और कोशिश कर ले, पास हो जाएगा। लड़की को तो प्यार में फंसाना बहुत आसान है यार, 24 आवर्स उस लड़की को देखते रहो, ऑटोमेटिक पड़ जाएगी। बिल्कुल टेंशन मत लो, वही पड़ जाएगी। लड़कियों की तारीफ करना सीख लो यार, वो जैसा कहती है करो, ऑटोमेटिक पड़ जाएगी। प्यार कोई सीखने वाली चीज नहीं है यार, तुम खुद अपने आप ही प्यार करना सीखो। सो मुझे एक नया फॉर्मूला चाहिए। सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये लीजिए आपका चिप्स पैकेट। हाय, मुझसे कहा? वो मैं गणेश का फ्रेंड हूँ। गणेश कौन? ये क्या आप अपने लवर को पहचान देनी हो? हेलो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आप दिव्या है ना? जी हाँ। एक्सप्रेस टावर 8th फ्लोर 801। और आप मुझे पूछ रहे हो कि गणेश कौन है? गणेश 802 में आपके बाजू वाले फ्लैट में रहता है, वो आपसे लव कर रहा है, आप भी उसे बहुत लव कर रही है, और आप दोनों पिछले 2 साल से। एक्सक्यूज मी, गणेश नाम के किसी आदमी को मैं जानती तक नहीं। ओके, नहीं जानती। सुनिए, वो 802 में रहता है, उसे वार्निंग दीजिएगा, जैसा मुझे बताया सबको बताया होगा। मैं देख लूंगी, तुम जाओ। सुनिए, जरा जोर से डांटिएगा।
आप हर हाल में खूबसूरत दिखते हैं, आपका गणेश 802। कौन है? आ रहा हूँ। तुम यहाँ कैसे? ठीक है, वो कहाँ है? कौन? तुम्हारा फ्रेंड गणेश। वो तो ऑफिस चला गया ना। कौन सा ऑफिस? खार वाला। ठीक है रहने दो, वो कहाँ है बताओ। अरे लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है। मेरे पास स्कूटी है। अरे बाप रे, मर गया। अब क्या होगा यार। हेलो, जस्ट शट अप। गणेश कौन है यहाँ? आप कौन? ये गणेश की लवर है। फिर तुम कौन हो? मैं गणेश का फ्रेंड हूँ, वही हमने साथ मिलकर लंच किया था ना। ओ तुम हो। Hey guys, listen. What? ये हमारे गणेश का फ्रेंड है। Hi. और ये गणेश की लवर। लवर मतलब दिव्या है ना? देखा तुमने, मेरा विश्वास नहीं हो रहा था ना, उसने ऑफिस में सबको बता दिया। इधर आओ, कुछ दिखाता हूँ। वो तो पता नहीं किधर होगा। पिज़्ज़ा कॉर्नर। हाँ हाँ, पिज़्ज़ा कॉर्नर, पिज़्ज़ा कॉर्नर। यस यस यस, लेट्स गो। कोई प्रॉब्लम है? एक एम्बुलेंस जा रहा था तो कोई प्रॉब्लम में होगा, इसलिए सोचा उसके लिए थोड़ा सा प्रे कर लो। What do you want? I want Ganesh. Ganesh, 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 Ganesh. अरे यहाँ पर तो ये आइटम नहीं है। हेलो, मैं तुम्हारे फ्रेंड के बारे में पूछ रही हूँ। ओ गणेश, वो अब तक आया नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऑर्डर करें? टू आयरिश ब्लेंड। आप दो पियेंगी? हम दोनों के लिए। दरअसल मुझे वो पसंद नहीं है। वन। ओके ओके, वो इतने प्यार से पिला रही है तो दो लेकर आओ। जी मैडम। क्लियरली बताइए सर, वन और टू? वन बाय टू। सुनिए, मुझे एक डाउट है। ड्रीम्स कलर्स में आते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं? क्या? अरे बाप रे, ये तो बहुत गुस्से में। एक्सक्यूज मी। या? ड्रीम्स कलर्स में आते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट में आते हैं? व्हाट? आपके ड्रीम्स? आई थिंक कलर। नो नो, ब्लैक एंड व्हाइट। यस करेक्ट, ब्लैक एंड व्हाइट। या ब्लैक एंड व्हाइट। यस करेक्ट, ब्लैक एंड व्हाइट। या इवन आई वांट ब्लैक एंड व्हाइट। हाय गणेश। कैसा है तू? बस ठीक हूँ। हाँ, वो अपना गणेश नहीं है? एक मिनट, रिंग हो रहा है। गणेश कहाँ है यार तू? क्या फिल्म देख रहा है? इसकी तुम्हें कौन सा थिएटर में चले? टिकट किस लिए? ये थिएटर क्या मेरे बाप का है जो फुकट में अंदर जाने मिलेगा? हो। गणेश! हे, क्या कर रहे हो? गणेश को आवाज दे रहा हूँ। चलो चल के बैठते हैं। बुरा नहीं मानेंगी तो प्लीज एक बार सीढ़ी मारना चाहता हूँ। तुम बजाओगी? ओके फर्स्ट। ऐसे पकड़ कर। हाँ? आई आई की ट्राई करो, ट्राई करो। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। यस यस। नो
गणेश को ढूंढ रहा, उसी के लिए तो आए थे ना। ये फिल्म देखकर ना मैं यहाँ किस लिए आई थी वो भी भूल गई। Yes. आप किसको ढूंढ रही है? गणेश को। गणेश कैसे दिखते हैं आपको पता है क्या? चलो घर चलते हैं। सुनो। हाँ? मेरे खातिर लिफ्ट में आ सकती हो? प्लीज। मैं पूछना भूल गई थी कि ड्रीम्स कलर में आते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट में। आप सपने में आएंगी तो देखकर बता दूंगा। हाँ? मेरा मतलब है, आप गणेश के सपने में आएंगी तो उसे पूछकर बता दूंगा। शिट, उसका नाम मत लो। वैसे तुम्हारे जैसे अच्छा इंसान उसका फ्रेंड कैसे बन गया? सुनिए प्लीज, ऐसा मत कहिए। गणेश को आप जानती नहीं है। गणेश इज अ ग्रेट गाय, बहुत चालाक है। मैं भी चालाक हूँ, बस 1%। मस्त हंसता है, मैं भी हंसता हूँ, बस 1%। बहुत शरारत करता है, मैं भी। मतलब आप बिना देखे गणेश को गलत समझ रही है इसलिए। ओके बाय। बाय गणेश साहब। सुबह से आपके फ्लैट पर 4 बजे जाकर आई हूँ। ये लो कपड़े साहब। हाँ मेरे 60 रुपए दो। इस तरह बोलिया खाकर 60 रुपए बराबर है ना? चल जाओ ना। ठीक है ठीक है, शाम को चलते हैं। देखिएगा ठीक बच्चों की तरह करते हैं आप। बाय आंटी। हे भगवान बचा ले। हाय। गणेश के फ्रेंड की तरह रहो। गणेश बनने की कोशिश की ना तो फोड़ के रख दूंगी। लड़कियों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। हुँ? अच्छी लगती है। मार डालूंगी, समझ गए? कोई फायदा नहीं, बच्चा पार्टी से मिलना पड़ेगा। ऐसा मैजिक तो कोई भी कर सकता है, ये सुपरमैन थोड़ी है। सुपरमैन? ओके। हे दिव्या, अरे भागो। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। डरता हूँ सुपरमैन। क्लास में सारे बच्चे हमसे डरते हैं, लेकिन हमें दिव्या से डर लगता है। किसी तरह दिव्या को कंट्रोल करना होगा। कोई आइडिया हो तो बताना सुपरमैन। एक आइडिया है। क्या है वो? दिव्या किसी से प्यार करना चाहेगी, या तो कोई दिव्या से प्यार करना चाहेगा। प्यार करेगी तो? वो प्यार करने में बिजी हो जाएगी, तो तुम लोगों का ख्याल थोड़ी रखेगी। तो फिर तुम ही दिव्या से लव करो ना सुपरमैन। मैं? नो, मुझे ऐसे लड़के से प्यार नहीं करना। आई एम वेरी हैप्पी। ए, तेरे पापा करेंगे क्या उससे प्यार? अरे मेरी माँ को प्रॉब्लम हो जाएगा यार। ऐसा तेरी माँ को नहीं, सबकी माँ को प्रॉब्लम है। ओके, अगर सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उससे प्यार करूंगा। नहीं सुपरमैन, वो एक राक्षसी है। कोई बात नहीं बच्चों, आप सबके खातिर, तेरे खातिर करूंगा यार, ठीक है ना? ओके। इस गणेश के आने से बच्चे और ज्यादा बिगड़ गए हैं। किससे पूछकर बच्चों को ले गए थे, वो भी ऊपर? अगर कुछ हो जाता तो? ऐसा सोचकर घर में बैठेंगे तो सेफ रहेंगे, भूकंप आकर अपार्टमेंट गिर जाएगा तो क्या कर लोगे? करेक्ट, भूकंप कभी भी आ सकता है, ये सोचकर खेलना छोड़ देंगे क्या? ए, तू बैठ जा। देखो गणेश, तुम पर बहुत लोग नाराज हैं। तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, फ्लैट खाली कर दो। ये एसोसिएशन का डिसीजन है। सुपरमैन को खाली करवाने वाले वो कौन है? एसोसिएशन कर रहे एसोसिएशन, उसके लिए हमने कोई मेंबरशिप दी है क्या? कम से कम हमारी बात तो माननी चाहिए थी। हाँ, हम अपने लिए एक एसोसिएशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पापा प्रेसिडेंट है, इसीलिए मैं भी प्रेसिडेंट। मेरे पापा सेक्रेटरी है, इसलिए मैं भी सेक्रेटरी। मेरी मम्मी ट्रेजरर है, इसलिए मैं ट्रेजरर बनूंगी।
सुपरमैन यही रहेगा। इसके लिए हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। ओके ओके। एक वार्निंग, गणेश को निकालने वाली एसोसिएशन को अपना फैसला बदलना होगा, नहीं तो विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ेगा। सावधान करने वाले, बच्चा पार्टी एसोसिएशन। हमसे टकराएंगे? आने तो बताता हूँ वार्निंग देना क्या होता है। ओके ओके। मैं भी जानता हूँ घर में पानी बंद हो गया है, जोर की लगी है, इसलिए ऑफिस जा रहा हूँ। शाम को आके बात करते हैं। मुझे सावधान, हमारे डिमांड्स का आपने समाधान नहीं दिया, इसलिए हम अगला वर्ष शुरू करने जा रहे हैं। पता नहीं बच्चे क्या करेंगे। बच्चे धीरे धीरे डिसिप्लिन भूल रहे हैं, पहले कितने अच्छे थे अब सब बिगड़ गए। बच्चे बच्चों की तरह नहीं रह गए हैं, अब बिजली भी काट दी, क्या करें इन बच्चों का। कुछ मत कीजिए, गणेश को यहाँ रहने दीजिए, ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे। बच्चे पहले कितने अच्छे थे लेकिन अब बिगड़ जाएंगे। क्या बिगड़ जाएंगे, गणेश के आने के बाद थोड़ी मस्ती कर रहे हैं, इस उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो कब मस्ती करेंगे। मेरे पोते को देखो, पहले भी अच्छा पढ़ता था और आज भी पढ़ता है। मेरी बच्ची भी अच्छी पढ़ाई करती है। मेरे बच्चों को स्कूल भेजना है। तो फिर गणेश को यहाँ रहने दो। अगर उसे यहाँ रहने दिया तो बच्चे इसके साथ बार बार बाहर जाएंगे, उस दिन कितना टेंशन हुआ था पता है ना? गणेश को ठीक से रहने को बोल दो। बच्चे लोग, आप घर में बिना बताए कहीं नहीं जाओगे, वादा करते हो तो गणेश यहाँ रह सकता है, ठीक है ना? ओह, तुम लोग गुड मॉर्निंग। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम आओ। हटो हटो। मेरी बच्ची, मेरी बहन जाने तक गिर जाएगी तुम। अरे ये किसकी बच्ची है? आयशा ने दरवाजा बंद कर लिया है, दरवाजा खुल नहीं रहा, वो फंस गई है, चलिए ना। किसी फायर सर्विस को फोन किया क्या? फायर सर्विस? वो किसके लिए? तुम हो ना, ऐसे जाकर वैसे बचा लो। क्या, ऐसे जाकर वैसे बचाओ? हाँ, आ जाओ, आओ, कूदने के लिए डिस्टेंस चाहिए ना। कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ पर। ओके, यहाँ से दौड़ कर जाओ और कूद जाओ। क्या हुआ? हाँ और क्या हुआ होगा, पावर खत्म हो गया होगा। इस बार देखना कैसे जंप करता हूँ। आयशा, इतनी सी बात के लिए रो रही हो? ऐसे करोगे तो ओपन, ऐसे करोगे तो क्लोज, हो गया। ये मुझे पता है सुपरमैन, तुम सुपरमैन हो या नहीं टेस्ट करने के लिए उस मोटू ने मुझे एक्टिंग करने के लिए कहा था। अच्छा, कितने दूर से जंप किया था मालूम है? अब तो मानोगे ना मैं सुपरमैन हूँ। तूने तो सिर्फ 8 मीटर से जंप मारी, ओलंपिक्स में इससे ज्यादा जंप मारते, तुम सुपरमैन थोड़ी हो। बदमाश, मुझे टेस्ट करेगा, मुझे टेस्ट करेगा। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। गणेश को उड़ी मारने के लिए किसने कहा था? नहीं बताओगे तो सबको मार पड़ेगी। ये लोग बताने से पहले मैं ही बता देता हूँ। यू जंप करते वक्त अगर नीचे गिर जाता तो? इसको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? यहाँ आओ, हाथ आगे करो। छोड़ो इसे। क्लास में गलती की तो मारो, इसके अलावा मेरे पर्सनल मैटर में दखल मत देना। मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ जाऊंगा, चलो चलते यार। ए, इन सबको साथ में लेकर क्यों जा रहे हो? हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया था। ए,
मैं तुम लोगों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता यार। हम ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे सुपरमैन। एक हाथ में बुक पकड़ो और दूसरे हाथ में स्टिक पकड़ो, आगे पीछे घूमो, वही ट्यूशन है। अरे मुझसे नहीं होगा यार। वो दिव्या पागल है, वो ट्यूशन ले सकती तो तुम क्यों नहीं? क्या मैं पागल हूँ? मेरे ट्यूशन में आने के बाद ही तुम लोगों को रैंक्स मिले हैं। क्या मैंने पढ़ा है बोल रहे हो? क्या तुमने हमारे लिए एग्जाम लिखा? ए तुम बात मत करो, सारे सब्जेक्ट्स में फेल हुए थे, तुम्हें 40% दिलाने वाली मैं थी। तुम्हारे ट्यूशन में 40% मिलता है, गणेश की ट्यूशन में 70% मिलेगा। हाँ? इस छोटू को 70%, पहले सब पास तो होने दो, बाद में बात करेंगे। 70% मिला तो? That's impossible. बेट लगाती हो? सबके लिए तैयार हूँ। इसे 70% आए, तुम आई लव यू बोलोगी। आई लव यू कहना होगा, और तुम्हें? मुझे नहीं, उसे। मुझे क्यों? पहले पढ़ाने के लिए कहो, बाद में देखती हूँ। अरे तू किसी भी तरह 70% ले आ। क्या मजाक कर रही हो? मेरा पास होना ही मुश्किल है, 70% कहाँ से? सॉरी। तुम पे भरोसा करके बैट लगाया था। मुझे खुद पर ही भरोसा नहीं है, तुम्हें किसने मानने बोला? मुझसे नहीं होगा, सुपरमैन साथ है तो डरना क्या? मुझे 70% आएंगे क्या सुपरमैन? तुझे 70% जरूर मिलेगा, बस पढ़ाई करने में लग जाओ, तुझे 70% जरूर मिलेगा। क्या आएगा लगता है? टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, टू लिटिल आईज आर ओपन वाइड। प्लीज यार ये लास्ट लाइन एक बार बोलना, प्लीज 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 प्लीज। वन लिटिल हेड गो साइड टू साइड, थ्री फाइव जा 15, थ्री फाइव जा 15, थ्री सिक्स जा 18, थ्री सिक्स जा 18, थ्री सेवन जा 21, थ्री सेवन जा। सुपरमैन मुझे एक डाउट है। कितनी मधुर आवाज है ये, डाउट है मतलब तू पास हो जाएगा, पूछ पूछ पूछ। मुझे 70% आने के लिए कर रहे हो या दिव्या से लव करने के लिए ट्राई कर रहे हो? तुझे तो बड़ों के डाउट आने लग गए रे, चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दे। 37 21 37 21, 3 इन द माइंड 3 फिंगर्स ओपन, 3 आफ्टर 4 5 6। हाँ लिखो बेटा। हाँ। समय बहुत हो चुका है, पढ़ाई छोड़ो और आकर सो जाओ। मम्मा ये मेरा इज्जत का सवाल है, आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ, मुझे पढ़ना है। गुड, नेक्स्ट। सब कुछ याद है ना, ठीक से लिखोगे ना? गो। क्या हो लिया है? अच्छा क्यों बच्चों, शेर तो हंस रहा है। सुपरमैन, शेर हंसता नहीं है, गुर्राता है, गुर्राओ। क्या है? मुझे 70% नहीं आए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नहीं मिलेगा। मुझे 72% आए। हम रंग बैठ जीत गए। I love you बहो। I love you too. I love you too. I love you too. I love you. I love you too. I love you too. I love you too. I love you too. I love you बोलो। I love you बोलो। I love you बोलो। I love you बोलो। ओए तुम लाया ना सुपरमैन। मैं एनिमल से आई लव यू नहीं कहती, वैसे शेर को अकेले में आना होगा।
मतलब तुम उसे आई लव यू कहने वाली हो क्या? लेकिन वो नानी 72% लेकर आ गया और ठीक है बाद में मिलते हैं। क्या बाद में मिलना? वही है क्या? जाना बहुत स्मार्ट है, मुझसे भी मिलवाना। अरे जाना। हाँ हाँ जाती हूँ ना। हाय आई एम दिव्यास फ्रेंड। दिव्या तुम गणेश की फ्रेंड हो ना? ओ दीपा हो। हाय हाय मेरा हाथ छोड़ो उसका हाथ पकड़ो। अरे आप इतने गुस्से में मत देखिए, मैं आई लव यू कहने नहीं आया हूँ। वो बच्चों ने थोड़ी बदतमीजी की थी ना, इसलिए सॉरी कहने आया हूँ। वन स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अब आपके साथ आइसक्रीम खा सकता हूँ ना? एक्चुअली मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आई लव यू। झूठ कह रहे हो? अरे नहीं यार, ट्रू लव सच्ची में। तो फिर जोर से कहो ना। आई लव यू। आई लव यू। I love you. I love you. Congrats. Enjoy. All the best. प्रेम तेरा दिल की तो सुन ले, तू भी सपने कुछ बोल ले, आ दोनों यूं जी ले हम दुनिया के भुला कर हम आजा बाहों में आरा दूर न जाना कभी दिल से साजन बीत न जाए कहीं प्यार का मौसम प्यार के रंग
मारा जाता है तो लाखों क्रांतिकारी दोबारा जन्म लेते हैं। एक एक वीर तेरे ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ कर फेंक देंगे। हम अपने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए एकजुट होंगे। हर क्रांतिकारी की ये सौगंध है, तुम सब मारे जाओगे। ओए सुन, तेरे फूफी की लड़की पड़ गई यार। सच में? अरे इतनी जल्दी कैसे पटा लिया यार? अबे तेरी अर्चना को बाद में बता, पहले तेरे बाप को बता। ये न्यूज अर्चना को देनी होगी यार। क्या कह रहे हो? अबे यहाँ एक दिन रहना मुश्किल है, उसका स्पीड देखकर लग रहा है वो कल ही मुझसे शादी कर लेगी। पापा काशी गए हुए यार, एक हफ्ते तक नहीं आने वाले हैं। जल्दी कुछ कर वरना मेरा बैंड बजने वाला है। प्लीज यार मैनेज कर ले यार, हम दोनों की शादी हो जाएगी। इस बीच मेरी शादी हो जाएगी, फोन रख। ये जेंट्स टॉयलेट है। पता है, इसीलिए तो अंदर नहीं आई। क्या दिमाग पाया? हे, तुम्हारे लिए कल रात को टेरेस पर इतनी देर तक इंतजार करती रही, क्यों नहीं आए तुम? टेरेस पर? कब बताया तुमने? बताऊंगी तो तुम क्या, वॉचमैन भी आ जाएगा। प्यार करते हो तो सबको जान लेना चाहिए ना। अच्छा। इधर आओ। क्या हुआ भैया? टॉयलेट में भी शुरू हो जाते हैं। छी छी छी, यहाँ ऐसे करने वाले? ओह, तुम बताओ, प्यार करो ऐसा सबको समझाती रहती हो तो अपने भैया से क्यों डरती हो? क्योंकि बात यह है कि बचपन में ही मेरी शादी तय कर दी थी माँ और नाना जी ने मिलकर। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? ठीक है, बोलो। नाना जी के गुजरने के बाद आपस में झगड़ा करके मेरी माँ और मामा जी अलग हो गए। 10 सालों से हम दोनों के परिवार के बीच में बातचीत तक नहीं है। अगर ऐसे में हमारे प्यार के बारे में पता चल गया तो सिर्फ माँ ही नाना जी के पास जाकर हमारे रिश्ते के बारे में उनसे बात कर सकती है। इसलिए मैं एक आइडिया है मेरे पास। उसकी शादी होने तक अपने प्यार के बारे में तेरे घर में नहीं बताने का, ठीक है ना? ठीक है ना? इतनी जल्दी कैसे समझ गए? एक्सपीरियंस। बहुत इंटेलिजेंट हो ना? तो फिर चलो। तो अच्छी तरह जानता है, लेकिन उसे चुकाना बिल्कुल नहीं जानता। तुझे सजा मिलेगी। अब तो गया काम से। मुझे छोड़ दो भाई, मुझे मत मारो भाई, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर। हमारे धंधे में माफी नहीं मिलती, माफ कर दो। मौत मिलती है। हे भगवान, और कितना काम बाकी है पता नहीं।
सुनो गणेश, कॉफी चाहिए क्या? कुछ नहीं आंटी। हाँ आंटी, बच्चे कहाँ? टेरेस पर खेल रहे होंगे। ओके। दिव्या, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, बहुत सीरियस है। गणेश से प्यार मत कर दिव्या। क्यों? बात को समझो, गणेश से प्यार करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अच्छा रहने दे। ये बच्चे अचानक क्यों नाराज हो गए? हाय। तुम सुपरमैन हो? बोलो, तुम सुपरमैन हो? क्या हुआ? मेरे फ्रेंड के पापा को मार रहे थे और तुम देखते रह गए। मैं क्या? तेरे पापा भी कुछ नहीं कर सके। मेरे पापा देख रहे थे, इसके पापा देख रहे थे, उसके भी पापा देख रहे थे, क्योंकि हम आम इंसान है। तुम सुपरमैन हो, क्यों नहीं बचाया? तुम हमें पसंद नहीं हो, फ्लैट खाली कर दो। एक हफ्ते में राकेश का मैटर खत्म हो जाएगा। हेलो, कौन है? हेलो, मैं दिव्या, नीचे वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ। ये पागल, आ जाओ। बेटी, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ आओ ना, कम ऑन, बताती हूँ, आओ ना। दिव्या बड़ी माँ, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तेरा बर्थडे? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। जोर से बोलो। तुमने दिव्या को आई लव यू जिस दिन कहा, उस दिन तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तेरे लिए खीर बनाई हूँ, लेके आओ। तुम बहुत लकी हो गणेश, तुम्हें दिव्या जैसी लड़की मिल गई। मैंने 33 साल तक नर्स का काम किया। मेरी सर्विस में 3162 डिलीवरी मैंने की है। मैंने भी 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वो लोग अब कहाँ हैं, कैसे हैं, मुझे कुछ पता नहीं, और मेरे बच्चे भी। लेकिन मेरी दिव्या, इस दुनिया में आते ही मुझे फर्स्ट टाइम देखने वाली तुम ही हो, फर्स्ट टच करने वाली तुम ही हो कहकर, इसलिए आज तक मुझे भूले बिना हर जन्मदिन पर मेरे पास आकर मेरे पास ही रह जाती है। उसकी लाइफ की सारी बातें वो मुझे बताती है, मेरी हर जरूरत को वो पूरा करती है। अचानक आकर कोई पूछे वो तुम्हारी कौन है, तो क्या बेटी कहूँ या रिश्तेदार कहूँ, पता नहीं। अच्छी लड़की है, नाराज हो जाती है, चिल्लाती है, गुस्सा करती है, लेकिन उसका दिल सोने की तरह है, और इस सोने के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है बताओ, इसीलिए मैंने तुम्हें लकी कहा। बैठो। ये लो खीर। कैसी लगी? सुपर। मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। थैंक्स आंटी, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो दिव्या को नहीं समझ पाता। यू आर करेक्ट, मैं बहुत लकी हूँ। तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, पहनाओ इसे। तुम दोनों
दोनों की जोड़ी सलामत रहे। I love you. जाकर आता आंटी। बड़ी माँ, गणेश कैसा लगा? सुपर। थैंक्स बड़ी माँ, बाय बाय। वैसे तुम्हारा बर्थडे कब है? मुझे तेरे जैसी बड़ी माँ नहीं है, कब पैदा हुआ कब बड़ा हुआ पता नहीं। ऐसे ही सड़क पर घूम रहा था तो किसी ने आकर पूछा मेरे साथ चलोगे क्या? तुझे खाना खिलाऊंगा, कपड़े दिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा। मुझे खाने वाली बात बहुत पसंद है, निकल पड़ा उनके साथ। स्कूल में भर्ती के समय डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आया तो अगस्त 17 कह दिया। अगस्त 17 को? अभी तो 10 दिन बाकी है। खुश होने की जरूरत नहीं है, वो डेट ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट, बर्थडे मतलब बर्थडे। इस बार हम लोग ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करेंगे। वो कैसे? कैसे मतलब? हाँ, 16th नाइट को 11:30 बजे मैं उठकर नहा धोकर नए कपड़े पहनकर। ओए बर्थडे मेरा है, तू क्यों नए कपड़े पहनेगी? सुनो तो, तुम भी उठकर फटाफट नहा धोकर नए कपड़े पहनकर। हाँ, ऑलरेडी केक लाकर रखना होगा, एक्स्ट्रा क्रीम चाहिए। एक्स्ट्रा क्रीम क्यों? सुनो ना, उस केक को लेकर टेरेस पर जाकर वाटर टैंक पर बैठकर ऊपर देखेंगे तो स्काई फुल ऑफ स्टार्स होंगे, नीचे देखेंगे तो सिटी लाइट्स दिखाई देंगे बिल्कुल तारों की तरह। और ठीक रात के 12 बजे केक कट करके फर्स्ट तुम मुझे खिलाना, बाद में मैं तुम्हें खिलाऊंगी। जब क्रीम यहाँ पर लग जाएगा ना, मैं तुम्हारी आंखों में खो जाऊंगी और तुम मेरी आंखों में खो जाना। और जैसे ही मैं तुम्हें किस करने के लिए आऊंगी, तुम राइट में चले जाना। वो क्यों? तुम्हें जाना होगा। ओके। जब मैं राइट में जाऊंगी तुम्हें लेफ्ट में जाना होगा, फिर मैं लेफ्ट में आऊंगी, ऐसे लेफ्ट राइट करते हुए अचानक तुम्हें पकड़ के एक कस के चुमा दूंगी तुम्हें। ये होगा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, मेरा फर्स्ट किस। मेरा भी फर्स्ट किस होगा। ए, मेरा भी वो फर्स्ट किस होगा। हेलो, तूने तेरी माँ को किस किया ना? हाँ। भैया को किस किया ना? उन्होंने भी तुम्हें किस किया? जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने किसी को किस किया है ना मुझे किसी ने। डुप्लीकेट बर्थडे के दिन ही सही, फर्स्ट किस तभी लेना। प्लीज गणेश, प्लीज गणेश। आज मैं बहुत खुश हूँ गणेश, जिंदगी भर मेरा साथ दोगे ना? फ्लैट में जाना है? गणेश से मिलना है। जाओ। आउच, बदमाश। बर्थडे के दिन है ना? चे, उसे सेकंड बर्थडे की समझना दिव्या।
आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ बाय बाय। You can make it. Let's see, man. Yeah. Woo! Hey, तुम यहाँ पर? बाप रे, तुमने मुझे अभी देखा? मैं यहाँ कितनी देर से खड़ी थी? Oh, देख लिया तूने? हाँ, सब कुछ देखा। तुमसे बातें करना, तुम पर हाथ डालना, तुम्हारे कानों में खुसफुसाना, ही ही करके हंसना, सब देखा मैंने। वैसे शहर की लड़कियाँ सच्चे प्यार पे भरोसा नहीं करती। तुमने तो झूठा प्यार करके दिव्या को पटाया है। मतलब या तो तुम बेमिसाल एक्टर हो या फिर वो लड़की पागल है। अर्चना तुम गलत हो। हे दिव्या, एक्चुअली ये मजाक कर रही थी। मेरे साथ प्यार का नाटक किया? ऐसा नहीं है दिव्या। नाटक किया ना? यही रीजन बताता है, वो मुझे पसंद नहीं, और वैसे भी उसकी शक्ल देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाय। हाय। क्या हुआ यार? मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। सॉरी यार, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। तुम सच में उससे प्यार करते हो ये जाने बिना मैंने कुछ भी कह दिया। एक्चुअली पापा आने की खबर सुनकर मैं टेंशन में आ गई। ठीक है, मैं जाकर उसे समझाकर मना कर लेकर आऊं क्या? क्या बताओगी? वही, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ए, इसके बारे में सोचना भी मत, पापा को पता चला तो मार डालेंगे। हाँ, क्या? ए, टेंशन मत ले यार, पहले तो मैं सिर्फ नाटक कर रहा था, अब मैं सच में प्यार करता हूँ तो मैं उसे समझा नहीं सकता क्या? दिव्या को समझाना है तो अपार्टमेंट में रहना होगा, बाहर रहना है तो बच्चों को समझाना होगा। वो लोग मुझे वहां से भगाना चाहते हैं। उन बच्चों को सोच रहा हूँ कैसे समझाऊं। जल्दी से भाग जाओ। महादेव मेरे फ्रेंड के पापा का हाथ काट रहे थे, तुमने नहीं बचाया। बचाने वाला ही सुपरमैन तुम नहीं हो। तुम सुपरमैन नहीं हो, झूठ बोलते हो। इन बच्चों का कुछ करना पड़ेगा। माधव भाई, उधारी के लिए टाइम लिया था, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। माधव भाई दूसरी बार नहीं बोलता है, काट डालेगा। देखो कालिया, तेरा भाई दूसरी बार नहीं बोलता, मेरा भाई पहली बार भी नहीं बोलता। कौन है तेरा भाई? जंगल के शेर से, भड़कती आग से। मेरे भाई से पंगा मत लेना, तेरी वाट लगेगी। इतना बड़ा भाई है तो बुलाओ उसे। भाई जिसके मारने से दिमाग घूमकर माइंड ब्लॉक हो जाता है, इनका बॉस मैं हूँ। तुम गिरी, आदगिरी, बादशाह डॉन। ए गिरी, तू अलग धंधा करता है इसलिए तेरे को भाई ने छोड़ दिया। यहाँ की बात अगर भाई को पता चल गई तो तेरे कोई इज्जत नहीं रहेगी, चल फुट रहे। क्या रे, वो कोई बड़ा तोप है क्या? मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता वो। नहीं भाई, बाल पहले से कम है। ओके। ए, मैं क्यों में खड़ा होकर राशन लाकर खाना पका के देता था तब खाता था तेरा भाई, मैं चाय बनाकर देता था तब पीता था वो, मैं बिस्तर लगाता था तो सोता था वो। इसका मतलब आप महादेव के नौकर थे? नहीं, बावर्ची था। ए, तू हंस क्या रहा है? हाँ, बादशाह को तू आंडू पांडू समझता है क्या? मेरी वजह से तेरा भाई जिंदा है। अरे कालिया, जाकर बोल भाई को आज के बाद बस्ती में दिखाई नहीं देगा,
मेरे लड़कों पर नजर रखेगा तो, पैर रखेगा तो, हाथ रखेगा तो। जाके बोल। रुक जाओ, मुझे आगे जाने दो ना। नमस्कार। हेलो काली भाई, कल नवीन बार में हफ्ता भर सुख ले गया था तो बीच में वो यादगिरी आ गया। ऐसा क्या? कहाँ है वो? श्री राम मंदिर के पास है भाई। मेरे पास काम करने वाला मुझे ही आज काटने लगा, मेरा बाल नहीं उखड़ेगा ऐसा कहा तूने? मेरे टॉर्चर की वजह से मेरी पत्नी किसी के साथ भाग गई कहा तूने? कसम से भाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नवीन बार के अंदर तू तो बड़ा भाई बन रहा था। सच में? मारूंगा तुझे। भाई मैं समझ गया भाई, उस कालिया ने आपकी पत्नी को बदनाम कर दिया और मेरा नाम ले लिया भाई। शड़प, नाटक मत कर, ज्यादा चिल्लाएगा तो बहुत मारूंगा। ओके ठीक है, तुम लोग जाओ ना। भाई चाहिए तो आपके घर आकर मार खाऊंगा भाई, पब्लिक में मत मारो भाई, इमेज खराब होती है भाई। तेरी इमेज खराब हो जाएगी, इतनी इज्जत है क्या? पैसों की खातिर लोगों की जान ले रहा हूँ, कह रहा था तू तुझे तुझे तो जो मन में आएगा वो। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या तू अपने आप को समझता क्या है? दोबारा तूने मेरे बारे में कुछ कहा तो जान से मार डालूंगा, समझा ना? जान से मार डालूंगा। तुम जैसे इंसान को जिंदा रहना बेकार है। महादेव को अगर मैं मारता हूँ तो बच्चे लाइन पे आ जाएंगे, यही जान से। खाली पीले यहाँ पे शाइनिंग मार रहे। छोड़ दो भाई, ट्रैफिक जाम है। मेरा हाथ पकड़ता है, कौन है रे तू? तुझे तो मार डालूंगा। मारो इसे। मेरा नाम गणेश, सिर्फ गणेश। आपका फैन। मेरा फैन? वो सचमुच का सुपरमैन है यार। अपने सुपरमैन ने उस महादेव को ऐसे मारा।
दिव्या, गणेश को हमने गलत समझा था। गणेश अच्छा लड़का है, तुम उससे प्यार कर सकती हो। इससे पहले प्यार मत करो बोला तो माना था ना, अभी क्यों ऐसे देख रही हो? तुम लोग जो कहोगे वही करना होगा क्या? जाओ। ये लोग अलग अलग क्यों जा रहे हैं? दिव्या हाँ बोलेगी तो गणेश बहुत खुश होगा ना। अरे अब क्या होगा यार, हमारी वजह से दोनों जुदा हो गए। हम उन दोनों को मिलाएंगे और डांस करेंगे। ओके ओके। भाई जूस। नहीं रे, बहुत दर्द हो रहा है। पहली बार कोई आकर मुझे मारा। बाथरूम में पैर फिसल कर गिर गया है, लोगों से ऐसा कहना पड़ रहा है सिर्फ उस बदमाश की वजह से। मतलब किसी लड़के को बुलाकर मुझे मारने का पूरा प्लान किया था उसने। मुझे वो आदगिरी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। आ, आ, आ। ए, कौन है रे तू? क्या रे है? भाई जिंदा है ये देखने आया क्या? अरे नहीं भाई, अपनी बॉडी आपके हवाले करने आया हूँ। सिलेंडर हो जाऊंगा तो सजा कम होगी ना भाई। भाई थोड़ा प्यार से मारने के लिए कहो ना भाई। ए, मैं सिर्फ डराने के लिए मारता हूँ, डरने वालों को नहीं मारता हूँ। आप जैसा चाहे वैसा कीजिए भाई, लेकिन एक बात सच है भाई, मैं अपने बाप की कसम खाता हूँ मैं उसे नहीं जानता। ए, 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 तुझे सपोर्ट करते हुए तेरे एरिया में मुझे मारा, तुझे पता नहीं तो और किसे पता होगा? भाई अपने एरिया में बहुत से लोग रहते हैं, वो लड़का कौन है मुझे पता नहीं। फिर उसने तुझे सपोर्ट क्यों किया? मैं नहीं बताऊंगा भाई। बता। बताऊंगा तो आप मारेंगे भाई। नहीं बताओगे तो खत्म कर। भाई वो मेरा फैन है भाई। ए, तेरा फैन है या एसी मुझे पता नहीं, मेरे डिस्चार्ज होने से पहले उसका एड्रेस मुझे चाहिए, नहीं तो तुम इस बेड पर रहोगे, पता है? भाई आप डिस्चार्ज कब होने वाले? यही कुछ 3 दिनों में। कहाँ जा रहे हो? दरवाजा बंद करके आता हूँ। वासवी आगे देखकर चलना। देखिए देखिए, ऐसे भिंडी मत तोड़िए, सब ताजी है। कौन सी चीज किस तरह से देखनी चाहिए मुझे पता है। भिंडी को तोड़कर देखना चाहिए, टमाटर को चककर देखना चाहिए, कद्दू को दबाकर देखना चाहिए और नारियल को ठोक के देखना चाहिए। सब लोग ऐसा देखेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। भैया वो पपैया देना। वो अभी पका नहीं है साहब। आज नहीं पका है तो कल पक जाएगा, दे दो। ये लो भैया, कल पकने वाला फल आज कच्चा है। यही फल एक हफ्ते पहले छोटा था, उससे पहले एक फूल था, उससे पहले एक कली था, उससे पहले एक पत्ता, है ना? मतलब 2 महीने पहले ये नहीं था। पहले कली बना, फिर फूल बना, फिर छोटा फल, फिर कच्चा फल। सो 2 महीने पहले कुछ भी नहीं था, इसलिए अब भी कुछ भी नहीं है ऐसा समझती है। गलत है ना भैया? हाँ साहब, आज के बारे में नहीं कल के बारे में सोचना चाहिए। रुको। सी, मेरे असिस्टेंट की बॉडी ऐसी है तो मेरी बॉडी कैसी होगी सोचो। यार सर, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है सर। सर आपने मुझे पहचाना नहीं क्या सर? अभी तू कोई 30 मार खा है क्या? सर महादेव को मार कर मुझे बचाया था, गिरी आज गिरी, बड़ा डॉन हूँ सर। आपने कहा था आप मेरे फैन है सर। हाँ तो? हाँ सर, मुझे आपका एड्रेस चाहिए सर। क्यों? मतलब January 1st को बर्थडे पर, फादर्स डे पर, मदर्स डे पर, इन अवसरों पर आपको ग्रीटिंग्स भेजना चाहता हूँ। लवर्स डे क्यों भूल गया तू? दर्द बहुत था ना इसलिए भूल गया सर। सर तो अभी तू तो पीछे ही पड़ गया। सर आप मुझे मारिए पीटिए, यहीं पर समाधि बना दीजिए सर, लेकिन आपका पता दे दीजिए सर, प्लीज सर। अच्छा।
सुपरमैन सुपरमैन हे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे वन सेकंड ना मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए सुपरमैन तो फिर क्या चाहिए अरे पूछो पूछो अरे पूछना अरे कुछ तो बोल पूछना हे भगवान अब ये क्या मांगने वाला है पूछो पूछो बर्थडे गिफ्ट में मुझे सुपरमैन बना दो सुपरमैन मैं तो किसी तरह सुपरमैन बन गया लेकिन इसे कैसे बनाऊं क्यों सुपरमैन मैं सुपरमैन नहीं बन सकता हूं कुछ समझ में नहीं आ रहा इसे कैसे समझाओ देखो विष्णु उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है कितनी भी मुश्किलों में तैयार हूँ मुझे सुपरमैन बनना ही है मैं भी सुपरमैन बनूंगी मैं भी सुपरमैन बनूंगा मैं भी सुपरमैन बनूंगा मैं भी सुपरमैन बनूंगी तू लड़की है तू सुपरमैन कैसे बनेगी तो सुपरवुमन बनूंगी पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई सुपरवुमन नहीं है पता है मैं वर्ल्ड की फर्स्ट सुपरवुमन बनूंगी मैं सेकंड हूं मैं थर्ड मैं भी सुपरमैन बनूंगी ए शांति रखो बोलो सुपरमैन मैं सुपरमैन बन सकता हूं बन सकते हो यार लेकिन सुपरमैन झूठ नहीं बोलता हमें पता है झूठ बोलने से तुम्हारी पावर चली जाती है तभी से हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है अभी इन्हें कैसे समझाऊं ओके कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए नेक्स्ट इतनी जल्दी क्या इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ओके ओके तुम आओ कहां ले जा रहे हो वहां देखो अरे मस्त है यार क्या मस्त है विष्णु में यू मिस है सुपरमैन हाँ यार उसे कवर करना है सुपरमैन चलो देखते आओ यार क्या सुपरमैन हमेशा अपनी पावर भूल जाते हो तुम सुपरमैन हो ना ऊपर जाके कवर कर दो ऊपर जाओ हाँ ये लो क्या कर रहे हो ऊपर कैसे जाओ जल्दी जाओ सुपरमैन जल्दी जाओ ना जाओ सुपरमैन जाओ सुपरमैन ऊपर जाओ सुपरमैन जल्दी जाओ तेरे अपार्टमेंट में सुपरमैन है क्या असल में सुपरमैन इंडिया में नहीं है इज टेलिंग लाइज यार कल सुबह हमारे टेरेस पे वेट करो तुम्हें पता चलेगा मेहनत से लेकर आया हूँ भाई ए, लेकर आओ साले को ए, कालिया क्या हुआ आखिरी बार तेरी शक्ल देखना चाहता था मसाज कर हा? अच्छा ठीक है अरे इस हाथ पे दर्द हो रहा है तुझे पता नहीं है अरे इधर नहीं अगेन सॉरी अगेन सॉरी इधर आराम से। आपको मारने वाला अचानक आकर आप पर गिर जाएगा तो आप क्या करोगे भाई पहले एम्बुलेंस को फोन करके बाद में हॉस्पिटल में रूम बुक करा के एक साल तक नहीं उठेगा ऐसा मारूंगा हाँ तो जल्दी से एम्बुलेंस बुक कर दीजिए भाई वो आ गया भाई
वो इतनी जल्दी आ गया क्या? इतनी जल्दी आ गया कोई मामूली लड़का नहीं भाई, आकाश में उड़ते हुए ऐसा करके उड़ी मारेगा। बकवास बंद कर और मसाज कर। मैं बकवास नहीं कर रहा भाई, एक बार वहाँ देखो। कहाँ देखो? काली काली नहीं है सर, अभी अभी भाग गया। तू जाके पकड़, तू जाके पकड़। मैं भाई तेरी से मत भाग यार। ए दमो तो रुक जा, ए तेरी बाट लगा दूंगा। ए पास में आ जा रे। ए भाई 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 पकड़ लिया, आ जा आ जा, पकड़ लिया पकड़ लिया। ए तूने उसे नहीं पकड़ा है, उसने तुझे पकड़ा है। हैं काली, वो यहां आया है। आ जा, तुझे तो रुक आओ भाई, आओ। अरे तू जल्दी आ जा भाई, भाग भाई, पकड़ भाई। अरे उसे पकड़ो। अरे भाई वो तो भाग गया हमारे से। अरे आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। तेरे पास एड्रेस है ना भाई? ये सेक्स डॉक्टर का है, रख लो भाई, काम आएगा। नाउ राइट पोर्चुगल PORTUGAL Atmosphere. Hi, Superman. Hi. एक जरूरी बात करनी थी सुपरमैन। क्या बात है? झूठ बोलने की सजा कैसे कम होगी सुपरमैन? झूठ बोला? क्या कहा तूने? मैंने अपने घर का टीवी फोड़ दिया। अगर माँ को पता चला कि मैंने टीवी फोड़ा है तो वो मुझे मारेगी, इसलिए दादी माँ ने फोड़ा कहकर झूठ बोलना चाहता हूँ। झूठ अनजाने में बोलना जायज है, लेकिन जानबूझकर बोलना गलत, ये अच्छी बात नहीं है। तो मम्मी को सच बताना कि टीवी तूने फोड़ दिया, ठीक है? ठीक है। जा। देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझ गए ना? गणेश चुप रहने से काम नहीं बनेगा, उसके दोस्त को पटाना होगा। मैं हेल्प नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ठीक है मत करो। अगर मेरी हेल्प करोगी तो तुम्हारी दोस्ती में दरार पड़ जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम है फंसे दोस्त की मदद ना करना। What? धोखा है। मैंने क्या किया? This is too much. देखो दिव्या एक लड़के से प्यार करती है और उसे बहुत पसंद करती है। देखो बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाने की वजह से दोनों बात नहीं करते, लेकिन दिव्या अंदर ही अंदर बहुत फील कर रही है। इनफैक्ट वो लड़का बहुत ही अच्छा है, दिखने में चिकना है, शरारत करता है, किसी का दिल दुखाता है तो उसे सॉरी कहता है, कोई हेल्प करे तो उसे थैंक्स कहता है। इतनी अच्छी आदतों वाले लड़के को तेरी फ्रेंड मिस कर रही है, इनफैक्ट वो पूरी अपनी लाइफ को मिस कर रही है और तुम्हें आराम से सीढ़ियां उतर रही हो, ठीक है क्या? वेट वेट वेट, मतलब तुम अच्छे लड़के हो इसलिए उसे मिस मत करो, समझे? मतलब सामने से तो अच्छा हूँ लेकिन पीछे से थोड़ा सा। तुम्हारे बारे में दिव्या ने सच कहा था, थोड़ी देर बात करूंगी तो पूरा दिन पकाओगे, पूरा दिन बात करूंगी तो पूरा लाइफ पकाओगे। पता नहीं तुम ऐसा क्यों समझती हो। ओह फॉरगेट इट। हे देखो मेरी एक बार मदद करो। देखो अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना। क्यों क्या कर लोगे? वन मिनट। याद करती है, मतलब वो प्यार करती है, है ना? अब मैं क्या करूँ? एक 5 मिनट की मुलाकात करा दो। 5 मिनट काफी है क्या? तो 5 दिन की। 5 दिन ज्यादा लग रहा है ना, इसलिए कह रहा हूँ 5 मिनट काफी। 5 मिनट्स मैं उससे क्यों मिलूं? मिलना जरूरी है ना। मैं उससे नहीं मिलना चाहती, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तुम 5 मिनट मिलोगे तो लाइफ लॉन्ग डिस्टर्ब नहीं करूंगा। डिस्टर्ब नहीं करेगा ना? नहीं करेगा। नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा। हाँ तो ये 5 मिनट्स में क्या करोगे? डिस्टर्ब करूंगा। कोई ऑर्डर है सर? कुछ टाइम चाहिए। ओके सर। हाय, कम सिट सिट।
बोलो। तुम क्या बोलने वाले हो मुझे पता है, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, मेरा प्यार सच्चा है, मुझ पे भरोसा करो, यही कहोगे ना? किस बात में भरोसा करूं गणेश? उस दिन वहाँ सबके सामने चीख कर आई लव यू कहने वाले भी भरोसा करूं? तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखों में दिखने वाला प्यार, मोहब्बत, इन सब बातों को सच मानकर भरोसा करूं? मैंने जो भी देखा सुना वो गलत था, मैं तुम्हारी बातों में भरोसा करूं? यही कहना चाहते हो ना तुम? मुझे जो वक्त मिला था उसमें से एक मिनट गया, आज के लिए इतना काफी है, बाकी के चार मिनट जरूरत पड़ेगी तो मांगूंगा। ओके बाय। बात करनी थी इसलिए मैं यहाँ आ गई थी, अब बुलाएगा भी तो भी नहीं आऊंगी। ए आया और एक मिनट चुपचाप रहकर खड़ा रहा, अगर तुम मिल जाओगी तो वो कह रहा था लाइफ लॉन्ग तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। शायद तुम्हें इन चार मिनटों में डिस्टर्ब हो जाओगी ये डर सता रहा था। मुझे कैसा डर, आने दो। मांगा था सिर्फ 5 मिनट, उसमें से 1 मिनट वेस्ट कर दिया, कुछ ना कुछ करके मनवा लेना चाहिए था ना। मुझे जो कहना था तूने कह दिया, और मैं क्या। ठीक है, ये अच्छा है क्या? ये अच्छा है, मुझे वो भी पसंद है। दोनों पैक कीजिए। ओके मैडम। क्यों हाथ फंस गया क्या? मैं कहूं दिव्या चाहिए ना, बिल भरो। बिल भरना लड़कों का काम है। अच्छा, और लड़कियों का? गिफ्ट घर ले जाऊंगी। थैंक यू सर। और अगली मुलाकात कब होगी? फोन करूंगा। ओके। हेलो, फोन किया था क्या? फोन किया था क्या? अभी नहीं यार, अभी तक उसने फोन नहीं किया। बुलाया है। ओके। उड़ा उड़ा, तू भी मजाक उड़ा। मेरी कुंडली के हिसाब से आज अगर मैं पूरा दिन येलो पहनूंगा तो मेरी लव स्टोरी सक्सेस हो जाएगी। वो पंडित कह रहा था, इसलिए येलो शूज, येलो पैंट, येलो शर्ट, येलो बनियान, येलो कैप, येलो। ए बस करो बस करो। थैंकर चीफ, तुमने कहा था मार्केट में मिलोगे, अगर तुम फ्लावर मार्केट में मिलते तो कलरफुल लगता था। पर उसे दिमाग खराब हो रहा है, उसे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं, वो कभी नहीं आएगी। वो आएगी। नहीं आएगी। आएगी। नहीं आएगी। आ गई ना? कहो क्या कहना है? का 1 मिनट भी पूरा हुआ, फिर मिलेंगे, बाय। सॉरी, लास्ट टाइम बताया नहीं ना, 327 शाम। 327? वो क्या है? रात में थी ग्रह में इतनी नक्षत्र का बल, तारों का बल, सब कुछ ठीक है ना, उस समय मिला। पंडित जी ने कहा है? तुम वहाँ इतने चुप क्यों हो गए थे? कुछ ना कुछ बोलना चाहिए था ना। किसने कहा मैंने बात नहीं की? उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, हमारी आंखें बात करी। जितनी बातें हमने की है, लिखने के लिए 2000 पेजेस लगेंगे। दिल का मामला है, तू नहीं समझेगी। दीपा, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? कैसे होगा? तुझे मेंटेन करने के लिए पर्स नहीं, बैंक चाहिए। बिल भरने की आवाज। इतने पैसे नहीं है मेरे पास है सर। तुम? यस सर। गिरी, याद है गिरी? बड़ा डॉन। आप मेरे फैन सर। सर, उस दिन आपने मार्केट में मुझे रॉन्ग एड्रेस दिया सर। राइट या रॉन्ग, ये छोड़, एड्रेस दिया था कि नहीं? फिर से एड्रेस मांगने आया हूँ। सर 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 सर, जस्ट 5 मिनट सर। लाइफ में आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा सर।
ठीक है बोलो। थैंक यू सर। एक फोन करना था सर। महादेव से बात करनी। शौक बाद में होना, पहले उसे फोन लगा, देखते हैं माजा क्या। सर हेलो। हेलो। अबे चिंदी चोर। भाई आपका फोन। हेलो। मैं हूँ यार बैट का फैन। तुझे एक बार मारा तो हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में था। भाई बनके तूने क्या किया यार। दीजिए सर, बड़ी बड़ी गाली दीजिए सर। अबे बिना बोतल के ढक्कन। हाँ। तेरी जात का बैदा मारू। तेरी बीवी भाग गई बोलिए सर। हाँ? क्या भाई, मैंने सुना तेरी औरत डॉक्टर के साथ भाग गई है। भाई बोल रहा है। ए, ए। अबे तुझे तो नंगा करके मारा था। भाई सीटी बजाकर बोल रहा है। अगर मर्द का बच्चा है तो एड्रेस बता। मैं बराबर चर्चगेट के मार्केट के सामने खड़ा हूँ। आजा। वहीं रुक। मैं अभी आता हूँ। आजा 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 आजा। तू या बादशाह भाई दोनों में से एक बचेगा। आजा। ओए गाड़ी में बैठ। आज उसका गेम खलास। ठीक है, हो गया। ये लो। सर, उसे बुलाकर कहाँ जा रहे हैं सर? तूने मांगा था 5 मिनट, मैंने दिया 10 मिनट। ये कैसे हो सकता है सर? 5 मिनट दिया था सर। कंफ्यूज मत करिए। हाँ। तूने कितना मांगा था? 5 मिनट। मैंने कितना दिया? 5 मिनट। दोनों मिलाएंगे तो 10 मिनट। ठीक है ना? ऐसा नहीं है सर, आपने सिर्फ 5 मिनट दिया। पांच सर। और 5 मिलाएंगे तो कितना? 10। बस। सर सुपर सर, आई लव यू सर, लेकिन वो आ गया तो मारेगा सर। बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चर्च गेट के सामने कोई मार्केट नहीं है और इस मार्केट के सामने चर्च गेट नहीं है। मैं भी भाग जाऊंगा। खुद को क्या समझता है, टाइम देकर प्लेस भी नहीं बताया, ऊपर से फोन स्विच ऑफ भी रखा है, कितना इंतजार करें? वो कहाँ मिलेगा मुझे पता है। हा? बैठो। व्हाट अ टाइमिंग। चलो। खुद को समझते क्या हो, प्लेस नहीं बताया हम कैसे आते। लेकिन उसको तो पता था ना, शुभ घड़ी बीतने से पहले बोट में बैठे। चलो। ओपन इट। ए, इस बार स्टॉपवॉच मैं करूंगी। ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टार्ट। ओके। मेरा प्यार सच्चा प्यार नहीं है ऐसा कह रही हो ना, अभी तुम ही डिसाइड करो। इसमें से कोई भी एक मुट्ठी खोलो, सच्चा प्यार होगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो नहीं। ओ, सच्चा प्यार आ जाएगा ये सोचकर डर रही है। देखा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। दूसरा हाथ दिखाओ। दिखाने के लिए कहो, दिखा दो ना। चीटिंग। ये भी सच्चा प्यार है, ये भी सच्चा प्यार है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ ना, इसलिए दोनों हाथों पर लिखा, समझाओ। ये भाई का फोन है। या, I'll be back. सर मैं गिरी। शर्म नहीं आती तेरा नाम लेते हुए? पागल, सन्यासी, डुमरिया। आखिर तूने प्यार क्यों किया? प्यार? मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ सर? बकवास बनकर, कोई मर्द अगर प्यार करता है तो उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है पता है? सच्चा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए। बाप रे, लड़की को हंसाना है, घुमाना है, शॉपिंग ले जाकर गिफ्ट दिलाना है, कम से कम नाम तो असली होना चाहिए। नाम तो अच्छा है ना सर, गिरी, आदगिरी, बादशाह, बैर, कितना बकवास नाम है। मेरा नाम देख, गणेश, कितना क्यूट सा, स्वीट सा, लड़कियों को पसंद आने वाला, सुनते ही टच करने को दिल करने वाला। सर पैसा नहीं है सर, पीसीओ से बात कर रहा हूँ सर, एक बार आप मुझे मिल जाए तो महादेव के हवाले करके मैं गांव चला जाऊंगा सर। सर आप अपना पक्का एड्रेस बता दो सर। तुझे पक्का एड्रेस चाहिए ना, तो लिख। ठीक है सर, बताओ सर। हेलो 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 हेलो। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ए, तुम चीटिंग कर रहे हो, हमें ये मंजूर नहीं। जाकर पुलिस कंप्लेंट कर लो। मेरी बात सुनो। सॉरी, 1 मिनट हो गया, तुम कुछ बात नहीं करोगे, अगर कुछ कहना है तो नेक्स्ट मिनट में आओ, ठीक है? असल में टाइम हमने उसे दिया या उसने हमें दिया? और वैसे कल टाइम नहीं बताया, प्लेस नहीं बताया करके फील करी होगी। ग्रीन पार्क, 5 o'clock शार्प, सी यू देयर। ए,
बजे मिलोगे कहकर 4 बजे क्यों बुलाया? ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा इसलिए। क्या? इधर आओ। ए, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ओ, नहीं देखेगा तो चलेगा क्या? तुम तो ओके। ए, ये क्यों इतनी जल्दी आ गई? फोन करो। याद है ना? एक घंटे बाद आना है ना? बाय। झूठी कही की। कितना झूठ बोल रही है देखा? हेलो हेलो एक्सक्यूज मी, आप गणेश की लवर है ना? ये यहाँ पर कैसे? मैं हूँ गणेश का फ्रेंड, पहचाना नहीं? वही उस दिन ऑफिस में गुड हैबिट बैड हैबिट पिज्जा कॉर्नर। अरे मत याद दिला। ऑफिस में पहचाना नहीं क्या? बदमाश कहीं का, याद दिला दिया उसे। वो आ रही है, अरे देख लेगी मुझे। मुझे देखकर फोन कर रही थी ना? सो, दोनों मिलकर मेरा टेस्ट ले रहे थे क्या? हेलो हेलो हेलो, अपने झगड़े में मुझे मत खींचो। योर काउंटडाउन स्टार्ट्स। ए, मैंने 5 बजे कहा था, अभी 4 बजे। स्टार्ट। देखो दीपा, दिव्या अभी गुस्से में, मेरी बात नहीं सुनेगी, इसलिए ये 1 मिनट मैं उसे गिफ्ट में दे रहा हूँ। जश्न मनाओ, ये गणेश उस दिव्या के खातिर 1 मिनट की कुर्बानी दी कहकर सारे इतिहास में याद रह जाएगा, इतना काफी है। बाय। हे, डोंट लुक यार। केक को लेकर टेरेस पर जाकर वाटर टैंक पर बैठकर ऊपर देखेंगे तो स्काई फुल ऑफ स्टार्स होंगे, नीचे देखेंगे तो सिटी लाइट्स दिखाई देंगे बिल्कुल तारों की तरह, और ठीक रात के 12 बजे केक कट करके फर्स्ट तुम मुझे खिलाना, बाद में मैं तुम्हें खिलाऊंगी। जब क्रीम यहाँ पर लग जाएगा ना, मैं तुम्हारी आंखों में खो जाऊंगी और तुम मेरी आंखों में खो जाना, और जैसे ही मैं तुम्हें किस करने के लिए आऊंगी तुम राइट में चले जाना। मेरे भाई के बीच में अनबन की वजह से दिव्या की शादी देरी से वो ठीक नहीं है, इसीलिए मामा जी से बात करो। ठीक है माँ। ये लो। क्या हुआ बड़ी माँ, मुझे अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाया? तुम्हें गणेश के बर्थडे से बढ़कर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस जरूरी है क्या? उसका बर्थडे है ना, तो तुम भी उसके साथ रहो ना। गणेश यहाँ आया था क्या? कहाँ है गणेश? वो देखो गणेश। हाय।
मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया? जो करना था सब कुछ करके अनजान बनकर कैसे खड़ा है देखो तो। मेरा कंपटीशन है, प्रैक्टिस पर जाना है, शाम को जल्दी आ जाऊंगी, फिर बड़ी माँ के पास जाएंगे। पास बिठाकर छोटे बच्चे की तरह एक घंटे तक समझाता मैंने, समझाता कि नहीं? हाँ, समझाया था। देखा, समझाने के बावजूद आपके पास आकर मेरी शिकायत कर रहा है। मैंने कोई शिकायत नहीं की। तो बात मत करो। बात करूंगा तो करो। तुम ही बात करो। हैप्पी बर्थडे। जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। क्या हुआ बड़ी माँ, ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ भी नहीं, दिलों में इतना प्यार होते हुए भी सुबह से तुम इतना दूर कैसे रह पाई? प्रैक्टिस था बड़ी माँ। मेरे बर्थडे से बढ़कर रह गया तेरा कंपटीशन। क्या? कुछ नहीं। इसे माफ कर दो, इतना गुस्सा ठीक नहीं बेटा। मुझे गुस्सा आया है। तुम जाओ बड़ी माँ, इसका गुस्सा मैं ठीक करती हूँ। ठीक है ठीक है, तुम बातें करते रहो, मैं आती हूँ। बड़ी माँ रुक जाओ ना प्लीज। जरूरत नहीं बड़ी माँ, तुम जाओ। दिव्या, बड़ी माँ से मैंने कुछ कहा है? क्यों, क्या प्लान है? बड़ी माँ के सहारे मेरे लाइफ में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हो ना? कितनी बार समझाया, समझ में नहीं आता तुम्हें। क्यों गणेश, लव लव कहकर मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? असल में लव क्या होता है पता है तुम्हें? भरोसा, जो मुझे तुम पर नहीं है। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो बिना बताए उसके बारे में सब पता चल जाता है। मेरे बारे में तुम्हें क्या पता है? एटलीस्ट मेरा फोन नंबर पता है तुम्हें। तुम्हारा फोन नंबर 9820396288। उस पर जब भी मैंने फोन किया, हेलो दिव्या कहकर बुलाओगे यही सोचती थी, पर तुम हेलो कौन यही कहते थे। मुझे कौन सा कलर पसंद है पता है? पता नहीं, मुझे ब्लू पसंद है। मुझे कौन पसंद है, कैसा रहना पसंद है, मेरी पढ़ाई क्या है, मेरी एम्बिशन क्या है, कुछ भी पता नहीं तुम्हें। फिर भी तुम उसे प्यार करते हो ये भरोसा करना होगा मुझे, इतना ही ना? मैं भरोसा नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। तुम्हें क्या चाहिए बताओ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे मेरे 5 मिनट चाहिए दिव्या। तूने मुझे दिए हुए टाइम में से आखिरी मिनट मुझे अब चाहिए। प्यार करने के लिए तुम्हें बहुत सारे कारण चाहिए, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ दिव्या, और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं प्यार नहीं करती। प्यार करती हो? नहीं करती, बोला ना। अगर प्यार नहीं करती तो फर्स्ट मिनट में मैं क्या कहने वाला था बिना बताए तुम्हें कैसे पता चल गया? क्या ये प्यार नहीं है? फिश मार्केट पसंद ना होने के बावजूद वहां पर क्यों आई? क्या ये प्यार नहीं है? जो जगह मैं चुनता हूँ वो तुम्हें पता चल जाती है, जिस टाइम पर मैं तुम्हें बुलाता हूँ उसे 1 घंटे पहले पहुंच जाते हो, हमेशा मेरी ही याद में खोई रहती हो, क्या ये प्यार नहीं है? मेरे फोन कॉल का तुम इंतजार करती रहती हो। कल रात तुम टेरेस पर आई, मुझे देखकर अपने आंसू बहाए, ये बात झूठ है तो मैं मानूंगा तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम समझते हो कि मैंने प्यार करके तुम्हें धोखा दिया? अगर तुम नहीं मिलोगी तो मेरा जीना बेकार है दिव्या। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए? मेरा प्यार सच्चा है और इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। इतना काफी है या मेरी जान चाहिए? स्टॉप स्टॉप। ओह, बर्थडे गिफ्ट, फर्स्ट किस करोगी? ये हाथ नहीं, ये हाथ। वो बात नहीं है, किसी और को पटाने के लिए तुमने कहीं ये हाथ भी ना काट लिया हो, यही देख रही हूँ। क्यों, शौक लगा क्या? तुम्हारे बातों में आकर बीती बातों को भुलाकर फिर से मैं तुमसे प्यार करूंगी, यही ना? बड़ी माँ को दुख ना हो इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैंने नाटक किया, तो तुम बहकावे में आ गए। प्यार का नाटक करके मुझे इतने दिनों तक धोखा दिया तो मुझे कितना दुख होना चाहिए? ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तुम्हारे पूछे हुए हर सवाल का जवाब है मेरे पास गणेश, लेकिन मैं तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं समझती, क्योंकि आई हेट यू। तुम्हें दिया हुआ 5 मिनट खत्म हो गया, अब लाइफ में मुझे कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना, बाय। थोड़े दिन मैनेज कर ले यार, तू संभाल लेगा तो हम दोनों की शादी हो जाएगी।
अच्छा ठीक है। यादव जी दिव्या आई है क्या? नहीं आए हैं सर, उनके मामा जी की फैमिली भी आकर इंतजार कर रहे हैं। इतने सालों के बाद मिलकर मुझे खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है दीदी, ऐसी खुशी पहले कभी नहीं मिली। रमेश हमारी बहुरानी कहाँ है? आ जाएगी मामा जी। अपने बारे में बात करने नहीं आया हूँ, तेरे लाइफ के बारे में बात करने आया हूँ। तुझसे प्यार मांगने के लिए नहीं आया हूँ, उससे नाराज होकर किसी और से शादी करना ठीक नहीं है। दिव्या प्लीज, गुस्से में लिए हुए फैसले हमेशा दुख देते हैं, अभी तुम गुस्से में हो। अरे जल्दी से बोल देना। नहीं 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 दिव्या, प्यार और शादी एक नहीं है। दिव्या प्यार में गलती हो तो एक ही जिंदगी बर्बाद होती है, लेकिन शादी में कईयों की बर्बाद होती है। दिव्या दिव्या रुक जा, दिव्या प्लीज, दिव्या दिव्या मेरे प्यार को झूठा समझती हो ठीक है, लेकिन तुम तो सच्चा प्यार करती हो ना। सर पर्सनल प्रॉब्लम सर, प्लीज मेरी बात ठीक से समझने की कोशिश करो। सही बात। तुम्हारी माँ कहाँ है? भैया क्या हुआ? भैया तुम्हारी बेटी कहाँ है? फोन कर दिया, मामा जी आती होगी। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते रमेश, ऊपर जाके देखो किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही मामा है। जी। दीदी मैंने सोचा तुमने मुझे प्यार से बुलाया, तुम्हारी बेटी किसी और के साथ भाग जाएगी, इस डर से तुमने मुझे यहाँ बुलाया। कैसी परवरिश है तुम्हारी, क्यों बुत बनकर खड़ी हो यहाँ? चलो यहाँ से, चलो चलो सब लोग, यहाँ आकर बदनाम हो गया। नहीं आते तो अच्छा था, कम से कम इज्जत तो बचती। मामा जी, मामा जी मेरी बात सुनिए मामा जी। देख लो रमेश। भैया मत मारिए भैया। तू कौन होता बिचारा वाला? चल का नाम गणेश है भाई, उसी अपार्टमेंट में 802 में रहता है। स्वीट ले लो, लो भाई स्वीट खाओ भाई, स्वीट न्यूज़।
उसका नाम टोनी प्लेयर है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन। भाई वो असल में हिंदुस्तानी है ही नहीं भाई, जेंटलमैन भी नहीं भाई, वो छिपा हुआ रुस्तम है भाई, अपरिचित है भाई, फिर भी उसे पकड़ लिया हूँ भाई। आपके बारे में सब कुछ बता दिया भाई, डर गया, हिल गया, फाइनली भाग गया, दोबारा यहाँ कभी नहीं आएगा। कौन? वही भाई, उस दिन आपकी वाट लगाने वाला मेरा फैन। नाम गणेश। हाँ? एक्सप्रेस टावर 802 लिंक रोड। हाँ? वहाँ कौन है भाई? वही तुझे बचाने वाला। हाँ? तेरा फैन, इसे ऊपर से नीचे तक मारो, टू। भाई इसे लेकर मुझे छोड़ दो भाई। ए, भाई बेटर रह। अरे हाँ, पुरानी बातों की खुन्नस अभी मत निकालना यार। हाँ। आराम से माना यार, चाहिए तो मिठाई खा ले। चल ये लो 2 लाख रुपए, चाहो तो गिन लो। ये तो ओके है, लेकिन उस गणेश से तेरा क्या संबंध है? उसका मेरा कोई संबंध नहीं है। एक और बात, आज के बाद ऐसे चौराहे के गुंडों को भेजकर घर पर लफड़ा मत करना। ए, ए, जा तू। उससे पूछा तो उसने कहा मेरा कोई संबंध नहीं, इसे पूछा तो इसने भी कहा मेरा कोई संबंध नहीं। बिना संबंध के आखिर हमें क्यों मारा उसने? फिर वो है कौन? गुंडों को भेजकर तुमने एक्सप्रेस टावर में मारपीट करवाया है, दिव्या नाम की लड़की ने कंप्लेन की है, इसीलिए तुम्हें अरेस्ट करने आया। दिव्या जो अभी आया था उसकी बहन है भाई। क्या सुपरमैन, सुपरमैन होके भी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो? सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, अगर लव में प्रॉब्लम हो तो कोई भी ऑर्डिनरी हो जाता है। अरे क्या हुआ? क्यों बेटा, हैप्पी बर्थडे है क्या? आजा। आखिर बर्थडे किसका है? अरे ये क्या इतने सारे बच्चे, बर्थडे किसका है? बर्थडे किसी का नहीं है अंकल, शादी के रिश्ते के लिए आए हैं। सॉरी वासवी, तुम्हारे लिए नहीं, दिव्या के लिए। ए, तुम लोग बाहर जाओ। बात सुनो अंकल। तुम लोगों को बाहर जाने को कहा ना, चलो जाओ। दिव्या, गांधी जी बायोटोग्राफी में फर्स्ट 30 पेजेस पढ़ेंगे तो उनकी छवि दिखती है, आगे पढ़ेंगे तो महात्मा दिखते हैं, ऐसा तुमने ही तो कहा था। ऐसे में गणेश के बारे में सब कुछ जाने बिना। ए, एक बार तुमसे बाहर जाने को कहा ना, चलो जाओ। असल में गणेश कौन है जानते हो? ए, बाहर जाने को कहा ना, चलो निकलो, निकलो बाहर, चलो बाहर। चाहिए तो 1 वीक का टाइम ले लीजिए अंकल, लेकिन ओके तो कहो अंकल। तुम्हारी तो, जाओ गाना, गेट आउट, यूज़लेस फेलो। पापा वो तो, चुप रहो, तुम दोनों के नाटक की वजह से मैंने बहुरानी पर शक किया और अपनी दीदी का अपमान किया, इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। वो नहीं, आप कारण है। हाँ अंकल, आंटी ने रिश्ते की बात कर दी और आपने भड़कना शुरू कर दिया। अगर मैं उसके प्यार के बारे में बताऊं तो आप क्या करोगे? बच्चों को माँ बाप से डर नहीं, प्यार होना चाहिए, इसलिए ये सब कुछ ऐसा हुआ। वैसे इन दोनों ने कौन सा गुनाह किया अंकल? प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, गुनाह? अरे इनके प्यार को कौन मानेगा? मैं क्या उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ? माँ बाप सोच समझ कर शादी करते हैं। मानता हूँ आप सोच समझ कर शादी करते हैं, लेकिन प्यार करने से पहले कोई सोचता नहीं है। प्यार को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, वो हो जाता है बस। सोच समझ कर की हुई शादी जब टूट जाती है तो क्या प्यार में की हुई शादी नहीं टूट सकती? बिल्कुल नहीं टूटेगी। अगर प्यार करने वाले सच्चे दिल से एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बिल्कुल नहीं टूटेगी। अपने प्यार के खातिर शादी करने के लिए किसी का भी सामना करने की हिम्मत हो तो कभी नहीं टूटेगी। प्यार करने वालों के दिलों में एक दूसरे के लिए अगर भरोसा रहेगा तो ये शादी कभी नहीं टूटेगी। अंकल आप में और हमें ज्यादा फर्क नहीं है, आप शादी करके समझ लो ऐसा कहते हो, हम समझने के बाद शादी करते हैं, बस इतना ही फर्क होता है अंकल। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है अंकल, लोगों के बारे में मत सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए। एक बाप बनकर नहीं, एक फ्रेंड बनकर सोचिए, सब अच्छा लगने लगेगा। इन सब का जिम्मेदार यही है दीदी, इसे इसकी प्रेमिका को मिलाने के खातिर उस गणेश ने ऐसा किया, अनजाने में मैंने तुम्हें भला बुरा कह दिया, मुझे माफ कर दो दीदी।
हमारे परिवार मिले इसलिए खुशी मनाऊं, या दिव्या के साथ ऐसा क्यों हुआ ये सोचकर दुखी हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ओ हो दिव्या, ये मत समझना कि मैं गणेश की तरफदारी कर रही हूँ। उसे बच्चे पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, तुम्हारी माँ भी पसंद करती है। इतना ही नहीं, मैं भी उसे पसंद करती हूँ। सबको पसंद आने वाला, तुम्हें पसंद नहीं आया, मतलब प्रॉब्लम उसमें नहीं, तुम में है। हाँ यार, बच्चों के साथ खेलकर उनका पसंदीदा बन गया। बच्चे ज्यादा मार्क्स लेकर आए इसलिए पेरेंट्स का पसंदीदा बना। राकेश को प्यार पाने में मदद की इसलिए मेरी माँ का पसंदीदा बना। इनमें से किसी को उसने धोखा नहीं दिया, पर मुझे दिया। फिर जब वो गणेश के फ्रेंड कहकर एक्ट कर रहा था, तब तुम्हें चीटिंग नहीं लग रहा था? प्यार करने के लिए झूठ का सहारा ले सकते हैं, लेकिन प्यार झूठा नहीं होना चाहिए। उसमें मैंने क्या देखकर प्यार किया? तुम एक बार भी नहीं पूछना चाहोगे मुझसे? मेरे पीछे घूम रहा था, वो आधा पसंद आया। 802 में रहने वाला गणेश मुझसे लव करता है, उसे ने अपनी जुबान से कहा था। वो आधा मुझे पसंद आया, सबके सामने चिल्ला कर उसने मुझसे आई लव यू कहा था। वो पसंद आया, मैंने जो भी खूबी देखकर उससे प्यार किया था वो सब झूठ था। ऐसा नहीं है यार, मेरा दर्द तुम समझ नहीं पाओगी। तुम तो क्या, कोई भी समझ नहीं पाएगा। अगर समझना हो तो प्यार करके देखो, समझ जाओगी। दिव्या, गणेश को तुम गलत समझ रही हो। मुझे परेशान मत करो आंटी। क्या बात है दिव्या? मुझे हर कोई बुरा समझने लगा है भैया, मैं यहाँ नहीं रह सकती भैया। दीपा के साथ हॉस्टल में रह लूंगी। खुद का फ्लैट खाली करके आप लोगों को दूसरी जगह ले जाना मुझे पसंद नहीं। भैया आपका ऑफिस भी पास है, वासवी का स्कूल भी बहुत करीब है, इसलिए मैं। प्रॉब्लम सिर्फ तेरे अकेले का नहीं है दिव्या, हम सब का है। मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, अच्छा फ्लैट मिलते ही चले जाएंगे, ठीक है ना? विद्या गणेश का प्रॉब्लम पेरेंट्स सॉल्व करेंगे। कंडीशन नंबर 2, गणेश चतुर्थी में गणेश और सुपरमैन का मूर्ति बिठाना चाहिए, यह हमारे एसोसिएशन का डिसीजन है। ओके ओके। लंबोदर देवा तेरी जय हो, विष्णु को तू मिलाए तेरी जय, इच्छा पूरी सबकी तू करे जय हो, विघ्न हरता है तू गणेशा। लंबोदर देवा तेरी जय हो, विष्णु को तू मिलाए तेरी जय, इच्छा पूरी सबकी तू करे जय हो, विघ्न हरता है तू गणेशा। राजा महाराजा पूरी करे सबके मन की इच्छा, राजा महाराजा पूरी करे सबके मन की इच्छा। मान लो जान लो हर पूरी होती है इच्छा, जो भी मांगो पूरी करे वो बड़ा प्यारा न्यारा मेरा गणेशा। राजा महाराजा पूरी करे सबके मन की इच्छा, राजा महाराजा पूरी करे सबके मन की इच्छा।
तेरी शरण आए वो ही अपना जीवन बनाए देता सारी खुशियाँ मेरा गणेशा ऐसा मेरा गणेशा रे इच्छा पूरी करे मेरा सिद्धि विनायका हर भक्तों को मिले फल अपनी श्रद्धा का लंबी 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 भक्तों की कतारें हैं देवा महादेवा मेरा देवा तुझे दिल से है हम सब पुकारे सारे मिलकर अब बोलो जय जय हो गणेशा राजा महाराजा पूरी करे सबके मन की इच्छा राजा महाराजा पूरी करे सबके मन की इच्छा श्रद्धा से खाली कोई न जाए रे देवा के डर आओ शरण पाए जीवन सुखमय बनाए रे भक्ति का धन है दुनिया में सबसे खरा रे पाप से भरे इस जग में खुद को बचा ले चरणों में मिलता चैन गणपति बप्पा के आशीष झुका अपनी किस्मत को बना तुझे दिल से है हम सब पुकारे सारे मिलकर अब बोलो जय जय हो गणेशा राजा महाराजा पूरी करे सबके मन की इच्छा राजा महाराजा पूरी करे सबके मन की इच्छा बहुत अच्छी हुई माँ सेक्रेटरी जी ने अच्छा ऑर्गेनाइज किया था यू आर रियली ग्रेट सर ये तो सबका कोऑपरेशन है भाई रमेश आज ही जा रहे हो क्या हम सर सामान लोड कर दिया है गणेश तुम फ्लैट खाली करके जा रहे हो जी हाँ अंकल मैं यहाँ पर रहूंगा तो उन्हें डिस्टर्ब होगा उनका खुद का फ्लैट है कई सालों से रह रहे हैं अब खाली करेंगे तो फिर नई जगह नए लोग थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन मेरा ऐसा नहीं है बचपन से नई नई जगह पर नए नए लोगों के साथ अब आदत हो गई है इसलिए जा रहा हूँ तुम लोग सब लोग सुपरमैन बन गए हो तो रोते क्यों हम सच में सुपरमैन बन गए क्या ये कभी पास मार्क लेकर नहीं आया था अब 72% लेकर आया है तो सुपरमैन है हमेशा देर से उठने वाली तुम आज स्कूल टाइम पर जा रही हो तुम भी सुपरवुमन हो वर्ल्ड की फर्स्ट सुपरवुमन सबको झूठ सिखाने वाले तुम अब झूठ नहीं बोलते तुम भी सुपरमैन हो तुम सुपरमैन हो तुम सुपरमैन हो तुम सुपरमैन हो तुम रुको गणेश मैं बात करता हूँ देविया अपने अनुभव से कह रहा हूँ गणेश को मिस करोगी तो लाइफ को मिस कर दोगी देखिए आप बड़े हैं इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ मेरे लाइफ के बारे में मुझे पता है आप रुकिए सर हाँ मैंने नाटक किया उस दिन उस लड़की ने अपने प्रेमी से शादी नहीं कराओगे तो मर जाऊंगी कहा था एक जान बचाने के लिए प्यार का नाटक करने में मुझे कुछ गलत नहीं लगा तेरे बर्थडे के दिन जब तूने मुझे रिंग पहना उस दिन से उस पल से मुझे तुमसे सच्चा प्यार हुआ था तुम जानती हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या तुम सच जानने के बाद भी भरोसा नहीं करती एक झूठ से आंखें बंद करके हजारों सच जानने के बाद भी चुप रहना ये अच्छी बात नहीं है दिल के प्यार को कोई प्रूव नहीं कर सकता दिव्या वो अपने आप समझ के फील करना चाहिए बस सच्चे प्यार को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती तुमने कहा था ना तो फिर तुम मेरे पास प्रूफ क्यों मांग रही तुम दूर चली जाओगे तो इस प्यार को भूल जाओगे ऐसा समझ रहे हो तुम लेकिन मैं तुमसे तुम मुझसे दूर चले जाए प्यार को नहीं भूलेंगे इसलिए मैं जा रहा हूं छोटे प्यार पर भरोसा किया सच्चे प्यार पर भरोसा नहीं कर पा रही हो
मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं गलत हूँ या सही हूँ या किसी से नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बार अपनी आंख बंद करके अपने दिल से बात करो, उस सच में मेरा भरोसा मिलेगा तुम्हें। एक इंसान की जान जाती है तो उसमें क्या दर्द होता है मुझे पता नहीं थी क्या, लेकिन अब तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है। एक बात सुनो दिव्या, जो माफ करना जानता है वही सच्चा प्यार करता है। अपने दिल से बात करो, उस सच में मेरा भरोसा मिलेगा तुम्हें। यही लड़की भाई, तूने मेरे नाम का कंप्लेंट किया था, मेरे आदमियों ने ऐसा क्या किया था जो उसने इन सबको मारा? कहाँ है वो और उससे तेरा रिश्ता क्या है बता। ए, तमीज से बात कर। ए, चल जा, रिश्ता क्या है तेरा उससे? Thank you.
पता नहीं आना चाहता था, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। सच में निकल जाऊँ? सचमुच में जाऊँ? जाओ सुपरमैन, जाओ सुपरमैन, जाओ सुपरमैन, जाओ।